नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड। मेरा भाईंदर, आमतौर पर देखा गया है कि सत्ता पक्ष विपक्ष के काम नहीं करते हैं, इस तरह के हमेशा से आरोप लगते रहते हैं। विपक्ष के जनप्रतिनिधियों को अपनी मांगे मंगवाने के लिए, अपने जनहित के कार्य करने के लिए धरने आंदोलन पर बैठना पड़ता है। लेकिन मेरा भाईंदर बड़ा अजीब व गरीब शहर है, यहाँ पर सत्ताधारी ही प्रशासन के खिलाफ में आंदोलन पर बैठते हुए दिखाई देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भाईंदर पश्चिम के ही ऐसे नगर सेवक जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, और उन्होंने अपनी मांगे मनवाने के लिए, जनहित कार्यों के लिए मनपा प्रशासन के खिलाफ में धरना आंदोलन शुरू कर दिया है। इस धरने आंदोलन की जैसी ही आज सुबह से शुरुआत हुई, उस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए या यूँ कहे के अपना श्रेय लेने के लिए स्थानीय विधायिका गीता जैन, MP राजन विचारे उस धरने की जगह पर आए और यहाँ पर आकर उन्होंने मीडिया से बयानबाजी की। आइए हम सबसे पहले आपको वो बयानबाजी सुनाते हैं, शिवसेना की विधायिका गीता जैन और MP राजन विचारे। कल टेम्बा हॉस्पिटल में हमारा अग्रवाल समाज का उस कार्यक्रम में, वहाँ पे हमारे यहाँ के वालचंद नगर और यहाँ के जो भी लोग आए थे, और उन्होंने एक सीरियस बात, गंभीर बात यहाँ पे दिखाई दी कि इतने सारे यहाँ लोग रहते, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे DMart है, और एक छोटा सा DP में जो रास्ता है वो अभी तक हुआ नहीं, उसके कारण लोगों को इतना घूम के आना पड़ता है। और इसके लिए मैंने कमिश्नर साहब को आज बुलाया, और कमिश्नर साहब को हमने बताया कि ये काम 2 दिन के अंदर होना चाहिए। पानी का लाइन है, यहाँ पे पानी का लाइन भी नहीं है, ड्रेनेज का लाइन का भी व्यवस्था होनी चाहिए, और रास्ता, मेन बोले तो रास्ता, और DMart जो है वो DMart की वजह से यहाँ के पूरे लोगों को तकलीफ हो जाती है, वो ट्रैफिक वहाँ पे होती है। इसलिए कमिश्नर साहब को बोला है कि इस पे एक्शन लेके हमको ये रास्ता जल्द से जल्द होना चाहिए, पानी की लाइन की भी व्यवस्था होनी चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम है, और यहाँ की जो लोगों की ये भी समस्या है कि साफ़ सफाई बराबर होती नहीं, तो उसके लिए भी हमने बोले हैं। माननीय हमारे मित्र, परम मित्र खंडेलवाल जी यहाँ पे बैठे हुए, उनको भी हमने रिक्वेस्ट किया कि आप अनशन मत करो, उसके लिए हम लोग बैठे हैं, आप खाली आप बोलते थे। आमदार साहब मैडम ने बोलने के बाद हम 2 मिनट में उधर वालचंद नगर के सभी वहाँ के जो परिसर में जो लोग रहते थे उनको हम लोग मिले, और इनको आश्वासन नहीं तो उनको बोल दिया। आज कमिश्नर साहब, ट्रैफिक के अधिकारी, यहाँ के सीनियर PI और सब लोग यहाँ पे आए थे, सभी अधिकारियों को हमने बोला है कि ये रास्ता हमको जल्द से जल्द पूरा करके जो भी इधर की लोगों की मांग है वो होनी चाहिए। मेरे को आमदार बन के सिर्फ 2.5 साल हुए हैं, और खंडेलवाल जी यहाँ के नगर सेवक 5 साल से है, करीब 5 साल हो जाएंगे, तो ये आरोप मुझे लगता है कि किसने किस पे लगाना चाहिए। लग रहा है कहीं ना कहीं खंडेलवाल जी आंदोलन पर बैठे हैं, और आज आप उद्घाटन के लिए आए यहाँ पर साइड पर। नहीं, ये श्रेय का वाद नहीं है, ये 1 महीने से हमारा फॉलोअप चल रहा है, हम ये ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ी सी जमीन का वाद है, तो ये असमझ बनी हुई थी कि क्या हम वहाँ से DP रोड के होते हुए, उस वाद के होते हुए रोड बन सकते हैं कि नहीं, आखिर इस विषय पे आए, क्योंकि ये पूरे रोड को पानी की भी तकलीफ हो रही है, वहाँ से पानी की पाइपलाइन नहीं जा रही है, वहाँ ले नहीं पा रहे, इतने से 200 मीटर का टुकड़ा हुआ, उतने से ही पाइपलाइन बाकी है, रोड बन जाएगा तो यहाँ से जाने आने वालों को भी सुविधा होगी, प्लस दूसरा भी वहाँ जो गंदगी है उस पर भी थोड़ा सा कंट्रोल आएगा, तो रोड हम कमिश्नर के अधिकार में बना के एक TDR के राइट्स रिजर्व करके कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उनके हक में वो TDR चला। आज आंदोलन पर बैठे खंडेलवाल जी, आज ही आपकी पूरी टीम सांसद के साथ में, विधायक नहीं, ये प्रशासन के अधिकारी आए, क्या कारण है खंडेलवाल जी आंदोलन पर बैठे, इसलिए आए क्या आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ये फॉलोअप करीब 1 महीने से कर रही हूँ, और मैं यहाँ जब लास्ट, मुझे लगता है उसके भी पहले 4 महीने पहले उदय मोदी जी का बर्थडे था, और तब मैं लास्ट मीटिंग में आई थी यहाँ बिल्डिंग में, तब उन्होंने इस समस्या का मुझे बताया था, 1 महीने पहले खंडेलवाल जी ने भी फ़ोन करके बताया था, तब से मैं इसके पीछे लगी हुई हूँ। उनको ये भी कहा कि मेरी निधि भी दे रही हूँ, मैंने वो भी लेटर दे दिया कि मेरी निधि से इतना सा रोड बन जाए, रोड बन के रहेगा, ये आश्वासन मैं आप सबको भी और खंडेलवाल जी को भी देना चाहूँगी कि ये रोड अभी तुरंत ही कल से काम शुरू हो जाएगा। ये थे शिवसेना के MP राजन विचारे और विधायिका गीता जैन, जो यहाँ पर आकर बयानबाजी दे रहे थे कि इस विषय को लेकर वो कई दिनों से मनपा प्रशासन से पत्र व्यवहार करते आ रहे हैं और उसका फॉलोअप ले रहे हैं।
अब ये तो मनपा प्रशासन और इन नेताओं के बीच की ही बात है कि अब तक उन्होंने कितने पत्र व्यवहार किए हैं इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए, यहाँ के लोगों की मांग को पूरा करने के लिए, ये अब तक तो गुलदस्ते में ही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो नेता यहाँ पर आकर बयानबाजी करते हैं उन्होंने अब तक लिखित रूप से क्या क्या पत्र व्यवहार किए मनपा प्रशासन से, इसको भी वो जाहिर करें। बहरहाल इस आंदोलन को लेकर स्थानीय नगर सेवक सुरेश खंडेलवाल और डॉक्टर सुशील अग्रवाल, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी कि उन्हें अब धरने आंदोलन के माध्यम से अपनी मांगें मनवाना पड़ रही है सत्ताधारी और मनपा प्रशासन से। और ये एरिया में इतना पानी का समस्या बढ़ गया है अभी 2 साल से, ये अपने बाजू में इधर एसपी रोड बोलते हैं या कौन सा रोड बोलते हैं बाजू वाला, उधर पानी का टंकी बन के 2-2.5 साल होने को आया है, अभी तक इधर पानी का कोई सप्लाई उसका है नहीं। और हमारे जो इधर के नगर सेवक है, सुरेश खंडेलवाल जी है, सुशील अग्रवाल जी है, उनको हमने बहुत बार शिकायत की है, वो लोग हमको आश्वासन दे रहे थे, पर उनका भी शायद आगे से कुछ काम नहीं हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है, वो एक कोई रोड बनने वाला था उधर आगे में, तो वो बोलते हैं कि वो पानी का जो डिपार्टमेंट है उनके पास हम लोग गए तो पहले बोलते हैं कि वो रोड बनेगा तब उसके बाद हम लोग पानी का लाइन डाल सकते हैं, तो यही समस्या है हमारी ये एरिया की डी मार्ट। पिछले 4-5 सालों से हमारे नगर सेवक सुरेश खंडेलवाल जी, उनसे मांग करते हैं कि पानी की इतनी विकट समस्या है, रोज़ टैंकर का सामना करना पड़ रहा है, तो इसका कुछ उपाय कीजिए। तो ये पहले हमको इन्होंने ये आश्वासन दिया कि यहाँ पे पानी की टंकी बन जाएगी, उसके पास ये बाद ये परमानेंट प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो आज ये पानी की टंकी को बने हुए भी 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक भी इसके बारे में हमको पानी के लिए थोड़ा भी आराम नहीं मिला है। तो फिर उन्होंने हमने इनको बोला कि भाई पानी की टंकी अब तो बन गई है, कम से कम अभी तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई रोड बनेगा तब जाके अपने को ये पानी का लाइन मिलेगा। तो आज शहर में कोई रोड थोड़ा चौड़ा करना हो या दूसरा कोई काम करना हो तो रातों रात झोपड़े टूट जाते हैं, बिल्डिंग टूट जाती है, दुकानें टूट जाती है। एक 150 फीट का एक टुकड़ा है रोड बनाने के लिए, अगर इसमें इनको इतना टाइम लग रहा है, 2-2 साल टंकी बन के हो गया है, आज हमारी प्रॉब्लम मुख्य वो है। देखिए, इस क्षेत्र में जो रिहायशी इमारतें हैं पिछले 5 साल के, आप देखा होगा कि भाईंदर पश्चिम में यही एक ऐसा इलाका है जहाँ पर लोगों की जनसंख्या बढ़ी है और बड़े बड़े टावर्स आ रहे हैं। जितनी स्पीड से यहाँ की जनसंख्या बढ़ी है उतनी स्पीड से यहाँ पे पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, क्योंकि आज भी सुभाष चंद्र बोस ग्राउंड की टाँकी से यहाँ पे पानी आता है या पहुँचते पहुँचते प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है। इसके लिए इस महेश्वरी भवन रोड के ऊपर नया पानी की टाँकी का निर्माण हुआ था, और तब ऐसा ये हुआ था कि इस एरिया के परिसर को उस टाँकी के माध्यम से पानी मिलेगा और जो नई इमारतें बन रही हैं उनको भी पानी की सुविधा मिलेगी, पर ये पानी यहाँ पे नहीं पहुँच पाता टेक्निकल कारण से, क्योंकि यहाँ पे जो बीच का जो रास्ता है, एक 50 से 60 मीटर का जो रास्ता है, वो रास्ता बना नहीं होने की वजह से वहाँ से पाइप की लाइन नहीं आ सकती, ऐसा वाटर डिपार्टमेंट का पत्र आया है। इसके मामले में हमारे सुरेश खंडेलवाल जी, हमने आयुक्त महोदय से मुलाकात की, महापौर मैडम से भी मुलाकात की, हाँ हो जाएगा, हाँ कर लेंगे, पर पता नहीं किसी कारणवश किसी के दबाव में आके ये काम कमिश्नर महोदय ने ये किया नहीं है। और यहाँ के स्थानिक लोगों की बहुत सारी समस्याएं थी, लोग हमारे पास में आते थे तो हमारे पास में कोई ऐसा दूसरा रास्ता नहीं बचा था, इसलिए हमको हमारी सत्ता होते हुए भी धरना आंदोलन के लिए मजबूर यहाँ पे होना पड़ा। अभी इतना पत्र व्यवहार और मीटिंग होने के बाद में भी हमारे पास में आयुक्त महोदय की ओर से कोई लिखित आश्वासन नहीं मिला है जो हम लोगों के सामने जाके उनको बता सके। देखिए, ओरली कुछ भी बात चलती है पर सब लोगों को मौखिक बातों के ऊपर विश्वास नहीं होता, हमको भी विश्वास नहीं है मौखिक बातों के ऊपर। अगर हमको पालिका की तरफ से, आयुक्त महोदय की तरफ से कोई लिखित आश्वासन मिलता है कि भाई अमुक व्यवस्था के अंदर, हाँ वो कारण और रास्ता बताते हुए कि हम ये तरीके से आगे बढ़ेंगे और इस तरीके से लोगों की समस्या का हल हम ढूंढ रहे हैं, और जल्द से जल्द या वो टाइम पीरियड देवे हमको या किसी तरीके से हमको बताए कि जल्द से जल्द काम पूरा होगा और यहाँ पे पानी की समस्या लोगों की हटेगी, तो और यहाँ के जो स्थानिक रहवासी उनको भी भरोसा दिलाना होगा कि ये काम होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है, तभी हम धरना आंदोलन यहाँ का ख़त्म करेंगे। ये थे स्थानीय निवासी और स्थानीय नगर सेवक डॉक्टर सुशील अग्रवाल, और इन्होंने बताया है कि जब तक इन्हें लिखित रूप से आश्वासन नहीं मिलता तब तक ये धरने आंदोलन को ख़त्म नहीं करेंगे। आइए अब हम बात करते हैं स्थानीय नगर सेवक सुरेश खंडेलवाल से, जिनके नेतृत्व में, जिनके मार्गदर्शन में ये धरना आंदोलन शुरू हुआ है। हम सीधा मुद्दे की बात करते हैं, क्या कारण है कि अब तक आपकी मांगों को मनपा प्रशासन ने पूरा नहीं किया है?
इसका कारण तो आपको मनपा प्रशासन से ही मिलेगा। आपने भी कुछ रियलाइज़ किया होगा कि अब तक आपने जो जनहित को लेकर जो मांगे की है मनपा प्रशासन से, पाइपलाइन की आपने बात की है, अपने गैस लाइन की बात की है, आपने रास्ते की बात की है, ये जन सुविधा जो मनपा प्रशासन को देना चाहिए वो अब तक नहीं दे पा रही, क्या इसका कारण है? देखिए, इसका कारण जो मुझे बताया गया कि ये जो आगे जो प्लॉट है उसमें हाईकोर्ट में ये कुछ विवाद जो है ना टाइटल का प्रलंबित है, इसके कारण वो इस मामले में आगे नहीं बढ़ रहे थे। मैंने आयुक्त महोदय से इस बारे में कई बार मेरी मीटिंग हुई, मैंने उनसे निवेदन किया कि सर पानी एक अत्यावश्यक और जीवनावश्यक जो है ना सबसे मूलभूत सुविधा है और हमें नई टाकी से यहाँ पे पानी की लाइन डालनी है, तो पानी जैसी मूलभूत सुविधा के लिए आपको एक्ट के अंदर कोई ना कोई अधिकार दिए हुए हैं जिसका आप यदि इस्तेमाल करेंगे तो पानी की लाइन को आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके आप तुरंत भी इस काम को कर सकते हैं। ऐसा मेरा आयुक्त महोदय से कई बार इस बारे में चर्चा हुई, लेकिन मुझे नहीं पता कि किस कारण से उन्होंने अभी तक इस बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। और कई बार मैंने पत्र व्यवहार किया, कई बार मेरी मीटिंगें हुई, लेकिन जब मुझे कोई ठोस उत्तर नहीं मिला तो यहाँ के स्थानिक लोगों के बार बार ये प्रश्न मुझसे पूछते थे तो मैं उनको कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। अंत में जाके लाइलाज हमें आज यहाँ पर सब लोगों के साथ में धरना आंदोलन पर बैठना पड़ा। खंडेलवाल जी, आप सत्ता में हो, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, क्या मेयर या फिर यहाँ के जो आपके जो मेजोरिटी है उन लोगों के सामने भी तो आपने कभी ना कभी बात रखी होगी कि मेरे वार्ड में ये मसला है, क्या सत्ताधारी का आपको साथ नहीं मिल पाया अब तक? नहीं, साथ मिलने की बात नहीं है, बात यहाँ पर यह है कि काम प्रशासन को करना है। हम यदि सत्ता में भी है और हम बार बार खुद महापौर मैडम ने भी कई बार आयुक्त महोदय से इस बारे में हमारे सबके यहाँ के स्थानिक लोगों के साथ में कई बार हमारी बैठकें हुई और हर बार हमें आश्वासन मिला कि हम जल्दी ही इसका रास्ता खोज लेंगे, जल्दी ही कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा, लेकिन अंत में जाके जब कोई रास्ता नहीं निकला तो हमें ये कदम उठाना पड़ा। क्या मनपा प्रशासन की इच्छा ही नहीं है कि आपकी मांगों को पूरा किया जाए? अब यदि इच्छा होती तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जिसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया। मैं यहाँ तक सोचता हूँ कि यदि ये डीपी रोड है, किसी यदि प्लॉट के अंदर विवाद भी है, तो दोनों पार्टियों को बुलाकर उनसे सलाह मशवरा करके इस बात को सुलझाया जा सकता था कि हाई कोर्ट से जिसके फेवर में भी निर्णय होगा उसको पालिका मुबदला TDR जो देती हो देगी। यदि इस तरह के हियरिंग लेके भी मुद्दा सुलझाने की कोशिश की होती तो कब का सुलझ गया होता। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन जो है ना, हो सकता है कि कुछ दूसरे डायरेक्शन में काम कर रहा हो, हो सकता है कि उनकी दिशा कोई अलग हो इस काम को पूरा करने के लिए, लेकिन रिजल्ट जो है ना पिछले 4 सालों से जस का तस था और ये नहीं आया, इसके लिए यहाँ के स्थानीय लोगों की बहुत ज़्यादा परेशानी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी आगे गर्मी का मौसम है, यहाँ के हर सोसाइटी में आप जाके पूछेंगे, सबके मेरे पास लिखित में सबके पत्र हैं, उन्होंने मुझे जो है ना हर सोसाइटी में टैंकर आते हैं, अब और आगे समस्या बढ़ने वाली है, तो इसके लिए हमको ना इलाज अब आज धरने पर बैठना पड़ा। क्या ये माना जाए कि प्रशासन नहीं कर रहा है, उसके पीछे कोई राजनीतिक उन पर दबाव है, हो सकता है कि कोई आने वाले दिनों में उसका क्रेडिट लेना या उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहा हुआ, इसी के चलते प्रशासन अब तक आपकी मांगों को पूरा नहीं कर पाया? हो सकता है, मैं आपकी बातों को नकार नहीं सकता, लेकिन इसके बारे में मैं पूरी जानकारी नहीं है मुझे। प्रशासन क्यों नहीं कर रहा इसका जवाब तो शायद आप प्रशासन से लेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से वो आपको बता पाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। खंडेलवाल जी, ये बताइएगा, आज शिवसेना के MP और MLA दोनों भी यहाँ पर आए थे, वो यहाँ पर किस लिए आए थे, वो ज़रा मैं आपसे समझना चाहता हूँ। देखिए, मैं भी उनको देख के आश्चर्यचकित हुआ। 10:30 बजे हमने यहाँ पर धरना आंदोलन शुरू किया, जो कि पहले से 5 दिन पहले इसकी सूचना मैंने पुलिस स्टेशन में महापौर मैडम को, आयुक्त महोदय को दे दी थी और मीडिया के द्वारा भी मैंने सभी को इसके बारे में सूचित कर दिया था कि सोमवार से धरना आंदोलन पर हम लोग सभी स्थानीय लोगों के साथ बैठेंगे। और फिर मैंने भी जब उनको देखा तो मैं खुद आश्चर्यचकित हुआ कि यहाँ पे मैंने देखी हमारे अधिकारियों की गाड़ियाँ, सांसद महोदय, आमदार मैडम सभी लोग यहाँ पर आए थे, जगह का कुछ मुआयना करके गए और उसके बाद में सांसद महोदय खुद उन्होंने आकर यहाँ पर मुझे भी भेंट दी और उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने आयुक्त महोदय को निर्देश दिया है कि 1-2 दिन में, मुझे संज्ञान में नहीं था, 1-2 दिन के अंदर ये काम शुरू हो जाएगा और आपको धरना आंदोलन आप मत कीजिए। नहीं तो क्या किस लिए, क्या वो आपको समझाने के लिए आए थे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वो सांसद महोदय हैं, मैं नगर सेवक हूँ, डेफिनेटली जब उन्होंने मुझे आंदोलन करते हुए देखा या उन्हें जैसे ही पता चला तो वो
मेरे उनसे बहुत पुराने संबंध है, अच्छे संबंध है उनसे, तो उन्होंने जब उनको पता चला कि हम लोग बैठे हैं, नगर सेवक हैं, धरने पर बैठे, तो थोड़ा सा उन्होंने एक कटसी के हिसाब से भी उन्होंने आकर मुझे इस बारे में अवगत कराया। मतलब एक तरह से उन्होंने आपको समर्थन दिया, ये कहा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, लोगों की समस्या, देखिए मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि लोगों की समस्याओं में राजनीति नहीं होनी चाहिए, स्वे लेने की होड़ भी नहीं होनी चाहिए। ये जो समस्या है लोगों की समस्या, और इसका किसी भी रूप में समाधान निकलना चाहिए। अब चाहे वो कोई भी करे, कैसा भी करे, लेकिन हमारा मकसद है कि वो काम को किसी भी तरह से पूरा करना है। खंडेलवाल जी, ये बताइएगा, कहीं आपको धरना आंदोलन पर बैठने के लिए मजबूर तो नहीं किया गया है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त दो धड़ों में बटी हुई है और एक धड़ों को आप शुरुआत से ही साथ में रहे हैं, उसका खामियाजा तो नहीं आपको भुगतना पड़ रहा है कहीं पर? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पार्टी का विषय अलग है, ये लोगों की जन समस्याओं से संबंधित विषय है। कई वर्षों से ये समस्या प्रलंबित चल रही है और मुझे ऐसा लगा कि अब जब तक कोई ठोस आश्वासन या ठोस कोई जो इसका रिजल्ट नहीं आएगा, इसके अलावा दूसरा चारा नहीं बचता है। मेरा सवाल ये है, आप एक दूसरे धड़े से बिलोंग करते हैं, जो बी ग्रुप जिसे कहा जाता है वहाँ से आते हैं, और आप एकदम मजबूती से उसके साथ में खड़े हैं, और ए ग्रुप नहीं चाहता है कि आपके इलाके की समस्या का निराकरण हो। देखिए मैं आपको कहना चाहूँगा साबिर भाई कि यहाँ पे ए बी ग्रुप का कोई विषय नहीं है। अभी आपने थोड़ी देर पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रवि व्यास जी भी यहाँ पर आए थे, पूरी पार्टी का मुझे समर्थन है, और मुझे मेयर मैडम का भी फ़ोन आया था, उन्होंने भी कहा कि नहीं हम कमिश्नर से इस बारे में बात करके जल्दी इस काम को पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने जा रहे हैं। तो मुझे किसी का विरोध नहीं है, सबका समर्थन है, बस इतना है कि ये काम होना चाहिए। अब इसके बारे में क्यों नहीं हुआ, इतने दिनों से काम क्यों प्रलंबित है, और अब ये काम कैसे होगा, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको हमारे यहाँ के आयुक्त महोदय और हमारे जो बांधकाम विभाग के जो कार्यकारी अभियंता है दीपक खंबित साहब, वो ज़्यादा आपको दे पाएंगे। मतलब पार्टी का पूरी तरह से आपको समर्थन है, सत्ताधारी का नहीं है जो दिखाई दे रहा है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल जो है ना सभी का समर्थन है, और जन समस्याओं के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सभी एकजुट होकर हम सब काम करते हैं, और सभी के समर्थन से ही ये सब काम संभव है। आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा खंडेलवाल जी, आपका ये आंदोलन किस वक्त ख़त्म होगा? क्या आपको चाहिए प्रशासन से कि आपको फिर ये आंदोलन ख़त्म करना पड़े? देखिए जैसा मैंने आपको कहा कि मैंने आज तक जितने भी पत्र व्यवहार इस मुद्दे को लेकर किए हैं, आज तक प्रशासन की तरफ से मुझे इस बारे में एक भी मुझे जवाब नहीं मिला कि हम इस बारे में ये कार्रवाई आगे करने जा रहे हैं। तो मेरा आंदोलन करने का जो मकसद है वो ये है कि प्रशासन इसके बारे में कोई ठोस भूमिका निभाए, वो इस काम को आगे करने के लिए मुझे कोई लिखित में, हम सभी को, मेरे साथ में डॉक्टर सुशील जी भी हैं, हमारे साथ में वैशाली रक्वी मैडम भी बैठी हैं, रीना मेहता मैडम भी बैठी हैं, स्थानिक लोग भी बैठे हैं, और हम सभी यहाँ पर जो बैठे हैं पार्टी के और भी नगर सेवक जो है ना, सबका समर्थन हमें है। तो हमारा सिर्फ एक ही कहना है कि जब तक कि प्रशासन की तरफ से इस मुद्दे पर हमें लिखित में कोई आश्वासन या कोई भी कॉन्क्रीट उसका सोल्यूशन नहीं मिलता, तब तक हमारा ये धरना आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। आंदोलन की खबर हमने करीब दोपहर 2 बजे के आसपास में बनाई थी, और उसके 1 घंटे के बाद में महानगर पालिका के सार्वजनिक बांधकाम विभाग के दफ्तर के एक इंजीनियर ने आकर लिखित रूप से आंदोलनकारियों को आश्वासन दिया कि जल्द ही इन लोगों की जो मांग है उन्हें पूरी की जाएगी, रास्ता यहां पर बनाया जाएगा और पानी की पाइपलाइन का भी इंतज़ाम किया जाएगा। लेकिन कब से ये काम शुरू होगा इसका स्पष्ट रूप से कोई मनपा ने उल्लेख नहीं किया है। एक तरह से यूँ कहा जाए कि मनपा प्रशासन ने इन्हें आज एक आश्वासन के रूप में लॉलीपॉप थमाकर इस आंदोलन को ख़त्म करने में सफल हो चुकी है। सवाल ऐसे में ये खड़ा होता है कि जो मांगों को लेकर नगर सेवक और स्थानीय लोगों ने धरना आंदोलन शुरू किया था, उनकी मांगें कब तक का मानी जाएगी, कब महानगर पालिका काम शुरू करेगी? आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर, धन्यवाद।